न्यूज क्लिक में आपको स्वागत कर रहा हूं। आज मेरा साथ वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी जी हैं। दिनेश जी, जो सबसे उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ है, जो न्यायाधीश अरुण मिश्रा जी और उनके साथ न्यायाधीश बी आर गवाई और कृष्णा मुरारी, इन्होंने तो प्रशांत भूषण को कन्विक्ट किया, उन्होंने बोला दोष सिद्ध। आज का बात था कि आप उसको सजा क्या देंगे। पहले ही आपने बता दिया कि इन्होंने ही इज गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि अदालत की अवमानना इन्होंने किया। तो जब सजा दिया, बहुत लोग आश्चर्य हो गए थे, 1 करोड़ रुपया का सजा मिला। और यह कहा कि अगर आप ये सजा नहीं देंगे, 3 महीना के अंदर आप 3 महीना आपको जेल के अंदर कारागार में जाना पड़ेगा, और आप जो वकील है आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे 3 साल, ये सजा हो सकता है। मगर इससे पहले प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि सबसे उच्च न्यायालय जो सजा देंगे हम मानने के लिए तैयार है। तो इस पूरा विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक चीज इसमें आप शायद मिस कर गए, वो ये है कि सजा अभी शुरू नहीं होगी। सजा अभी अबेयंस में रहेगी, सस्पेंडेड रहेगी, जब तक कि उनका शायद रिव्यू एप्लीकेशन है पेंडिंग, वो कंसिडरेशन ना हो जाए, या कोई एप्लीकेशन थी जिसको रिकंसिडर होना। अब अगर मसले पे जाते हैं तो देखिए, कन्विक्शन तो हो गया 14 अगस्त को, और कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग वर्डेड है कि आपने कंटेम्प्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये सब कुछ देखते हुए एक बहुत ही तंग रास्ता था जिसको कि वो तय कर सकते थे, या तो उसको सीरियस पनिशमेंट देते इन कीपिंग विद द फाइंडिंग कि कंटेम्प्ट सीरियस है। सुप्रीम कोर्ट को एक मिडिल पाथ ढूंढना पड़ा है, क्योंकि प्रेशर जो है पब्लिक ओपिनियन का, लॉयर्स का और अदर जो बुद्धिजीवी थे दूसरे, उनका प्रेशर बहुत था बाहर से, कुछ रिटायर्ड जजेस और मे बी हमारे ख्याल से सिटिंग जजेस का भी रहा होगा। तो उस प्रेशर को देखते हुए एक ये मिडिल पाथ निकाला गया है। अब सवाल यह है कि अगर आपने कन्विक्शन कर दिया है पर आप पनिशमेंट न दें तो शायद ज्यादा ज्यादा गैरवाजिब होगा, क्योंकि फिर कन्विक्शन ही क्यों किया था अगर पनिशमेंट नहीं देना है। लिहाजा कन्विक्शन होने के बाद पनिशमेंट तो होना ही था। अब सवाल ये थे कितना कम पनिशमेंट हो या कितना ज्यादा हो। तो सारा कुछ प्रेशर देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बीच का रास्ता निकाला है कि कम से कम पनिशमेंट दे, वो भी टोकन पनिशमेंट जिसको आप कह सकते हैं कि 1 रुपए का लगा दिया। दिनेश जी, सवाल उठते हैं कि सबसे उच्च न्यायालय कहा कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल जी का बात मान लिया कि वो सचमुच अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में विश्वास करते हैं, हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। और वेणुगोपाल जी कहा कि इनको एक एक वार्निंग देके जाने दीजिए, एक तरह से एक आप सानियामित कर दीजिए, बस खत्म हो जाएगा। मगर प्रशांत भूषण जी का जो वकील थे, वरिष्ठ वकील थे आपका राजीव धवन जी, उन्होंने कहा कि ये आप जबरदस्ती के साथ किसी को माफी आपकी मांग रहे। और प्रशांत भूषण जी ने खुद कहा कि आप जो भी सजा दीजिए मैं मानने के लिए तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी, यानी कि बिना शर्त के माफी मांग, ये प्रशांत भूषण तैयार नहीं था। तो इसके मतलब किस तरह से लोग देखेंगे ये जजमेंट को? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि अगर आप वाइडर सीन लेंगे और पर्सपेक्टिव लेंगे तो ये रास्ता हमारे हिसाब से माकूल था, सही था। कारण यह है कि आप ज्यादा पनिशमेंट करना नहीं चाहते हैं, आप कन्विक्शन कर चुके हैं जिसका रिव्यू बाद में कंसिडर होगा, अभी तो होगा नहीं।
तो लिहाजा सवाल ये उठता है कि अगर आप कन्विक्शन करके और फिर पनिशमेंट न दे तो फिर ये प्रश्न उठेगा जरूर कि कन्विक्शन ही क्यों फिर। मगर लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी कुछ देखते हुए एक मिडिल का रास्ता निकाला जिससे कि वो भी बच गए और प्रशांत भूषण के लिए भी आसान हो गया बाहर निकलना। प्रशांत भूषण कह चुके हैं कि हम पनिशमेंट बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, तो एक रुपए का पनिशमेंट पे कर देगा, खत्म हो गई बात। मगर ये जो पूरा जो अब ये मामला हुआ, ये जो जुर्माना हुई है, जो अदालत का अवमानना के ऊपर, क्योंकि प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, दो एक ट्वीट में दिखाया बोबडे जी हमारे जो चीफ जस्टिस है, हमारे सबसे उच्च जो न्यायालय के एकदम जो चीफ जस्टिस है उसको दिखाया मोटरसाइकिल और कुछ टिप्पणी किया, और ये भी कहा कि पिछले जो हमारे चीफ जस्टिसेस है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान नहीं माना, तो काफी विवादित उनका ट्वीट था। फिर भी लोग समझते हैं कि अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट जो अंग्रेजी में कहते हैं शुड हैव ब्रॉड शोल्डर्स एंड अ थिक स्किन, कोई आलोचना कर रहे, कोई टिप्पणी कर रहे, इतना बुरा मानने का क्या जरूरत है। मैं बार बार वही सवाल दोबारा आपसे पूछ रहा हूं कि ये पूरा जो ये घटना हुई है, इंसिडेंट हुई है, एक रुपया का जुर्माना, आपका क्या लग रहा है? हमारे देश के आम आदमी कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे कि किसकी जीत हुई है, प्रशांत भूषण का जीत हुई है या हमारे सबसे उच्च न्यायालय की जीत हुई? नहीं, इसमें जीत और हार किसी की नहीं है, पर मैं मेरी बात को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखिए। संविधान जो है आपकी एक्सप्रेशन और स्पीच की राइट को सब्जेक्ट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई नया लॉ नहीं है, तो बहुत पुराना लॉ है, अंग्रेजों के समय से है। तो जब संविधान बन रहा था तो उस समय उनको मालूम था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर क्या माने हैं और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या माने हैं, एंड देयरफॉर उन्होंने आपके स्पीच और एक्सप्रेशन की राइट, फंडामेंटल राइट को सब्जेक्ट टू किया है कंटेंट। अब सवाल यह है कि स्पीच की राइट, एक्सप्रेशन की राइट, आपकी क्रिटिसिज्म की राइट इंडिविजुअल राइट है, एक आदमी की, एक इंडिविजुअल आदमी की मौलिक अधिकार है, पर यहां पर प्रश्न इंस्टीट्यूशन का है विच इज अ कलेक्टिव। तो कलेक्टिव जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल की राइट से, ये हमारा संविधान मान के चलता है। अब सवाल यह है कि ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अब मानना की प्रोसीडिंग शुरू करी, ये गैर वाजिब सवाल होगा, क्योंकि अधिकार है। केवल प्रश्न ये है कि अधिकार का सही इस्तेमाल हो या गलत इस्तेमाल हो, ये सवाल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अख्तियार, जो अधिकार है संविधान में, उसका इस्तेमाल किया। पर्सनली स्पीकिंग मेरा ओपिनियन ये है कि क्रिटिसिज्म जो है वो अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए इंस्टीट्यूशन को, कोर्ट को, और इसको इग्नोर कर देना चाहिए था। देखिए, ट्वीट जो है आप किसी भी निगाह से देखिएगा, एक बार अपने को जज के गद्दी पे बैठा के और फिर देखिए, तो ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन की अवमानना तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक मिनट, प्रशांत भूषण और जो उनको समर्थन कर रहे हैं, जैसे आपने कहा उसमें 200 से ज्यादा वकील है, वो बारिश चल रहे थे, बाहर खड़े थे, और बहुत सारे नागरिक भी बहुत कुछ कहा, मगर सचमुच ये कोई एक व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी, आलोचना, निंदा, कड़ा शब्द से निंदा, कड़ा भाषा से आप कहिए कि आलोचना किया, या पूरा संस्था, पूरा सबसे ऊंचा न्यायालय का आपने अदालत की अवमानना किया, ये यही सवाल उठ रहे हैं बार बार। देखिए, आप फिर से देखिए ट्वीट, ये कहती है, पहली ट्वीट जो है बोबडे जी वाली ट्वीट हटा दीजिए, वो कंटेम्प्ट नहीं है मेरे हिसाब से, किसी भी तरह से नहीं है। पर पहली ट्वीट जहां की आपने कहा कि लास्ट 4 चीफ जस्टिसेस जो है करप्ट है,
तो ये अवमानना का विषय है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशन को कह रहे हैं, चार चीफ जस्टिस को कह रहे हैं, एक को नहीं, इंडिविजुअल को नहीं कह रहे हैं। पर वहां प्रश्न जो सबसे बड़ा प्रश्न है, जो आप शायद आपने नहीं देखा, वो ये है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ जो है ये कहता है कि अगर आप सत्य बयान कर रहे हैं और आपके पास प्रमाण है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, तब वो कंटेम्प्ट नहीं होगा। लिहाजा कंटेम्प्ट है, पर उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये कंटेम्प्ट नहीं है। तो ये बात मैं नहीं मानता कि उनका जो वो ट्वीट है कि लास्ट फोर चीफ जस्टिसेस करप्ट है, ये कंटेम्प्ट नहीं है। ये कंटेम्प्ट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ये इंस्टीट्यूशनल कंटेम्प्ट। पर ये कि हाँ बनता है या नहीं बनता है कानून के हिसाब से, ये सवाल। दिनेश जी, ये पहले भी इन्होंने तहलका में एक इंटरव्यू दिया था, वो केस दोबारा 8 साल के बाद आपने दोबारा ये केस आप शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये नया है। प्रशांत भूषण इससे पहले भी जो आज जो ट्वीट में किया पहले भी बताया, उस समय 8 साल पहले वो केस चल रहे थे, अब वो केस दोबारा आपने शुरू कर दिया। ये आप एक इंडिविजुअल इंस्टेंस को लेके चल रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं कि ये ट्वीट जो है कंटेम्प्ट है या नहीं है। अच्छा ठीक है, आप जा रहे हैं इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट को रीट्वीट को लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था कंटेम्प्ट के लिए, इस बात पे आप जा रहे हैं ना, तो ये बात आपकी वाजिब हो सकती है। पर प्रश्न जो है बड़ा है वो ये कि जो ट्वीट था या जिसका रिट्वीट हुआ वो कंटेम्प्ट है या नहीं है। टेक्निकली कंटेम्प्ट है, बट देन क्वेश्चन इज कि शुड इट हैव बीन टेकन नोटिस ऑफ और नॉट, ये आप कह रहे हो। दोनों ही चीज हो सकती है। अगर कंटेम्प्ट है हमारे खिलाफ, मान लीजिए कोई हमारी बेइज्जती करता है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर शोल्डर्स ब्रॉड है तो आप इग्नोर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपकी इज्जत घटती नहीं है। पर ये सब आप राय दे सकते हो, टेक्निकली सही नहीं है। अब सवाल ये है कि ट्वीट या उसका रीट्वीट कंटेम्प्ट अगर टेक्निकली है, तो कानून के हिसाब से अगर आप उसको कंटेम्प्ट नहीं होना साबित करना चाहते हो, तो आपको ये देना पड़ेगा कि साहब मेरे ये प्रमाण है, इसकी वजह से मैं कह रहा हूं और इससे हमारा चार्ज साथ सिद्ध हो रहा है, देयरफॉर ये कंटेम्प्ट नहीं है। ये दिनेश जी धन्यवाद, आपका कीमती समय आपने न्यूज़पेक का दर्शक को दिया, और आप लोग देखते रहिए न्यूज़पेक।